नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की आप लोग के इस यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2016 का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका 5 जून 2016 को आयोजित किया गया था और ये पेपर मैं आपको इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और वन रक्षक की परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक एक करके यूपी ट्रिपल एससी का आपको सारे पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर वीडियो 2016 का पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, क्या उसका लेवल था, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और फिर डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस। तो टोटल आज हम लोग यहाँ पर हिंदी, रीजनिंग और जीएस, ये कंबाइन पूरे दोस्तों पेपर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनका लेवल कैसा रहता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सूरदास के गुरु कौन थे। चलिए पहला क्वेश्चन ही सबसे सरल क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु कौन थे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, सूरदास जी के जो गुरु थे, देखिए सूरदास जो थे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण छाप कवियों में से अग्रणी थे। इनके गुरु जी थे आप लोग के श्री वल्लभाचार्य जी। तो ऐसे में जिसका भी आंसर वल्लभाचार्य आ रहा बिल्कुल सही है। ओके, अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपके सामने, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को बोलते हैं यति। देखिए होता क्या, छंद में नियमित वर्ण मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है और इस रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा यति। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जहां वाक्य गति अंतिम रूप ले ले। दोस्तों जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से दोस्तों आप लोग का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल समझते रहेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल लिया है। तो जिसको भी यहाँ पर हमारी क्लास पसंद आती है इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, अमर्ष क्या है। क्या आप लोगों में से कोई जानता है अमर्ष क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये क्या, एक संचारी भाव है। है क्या दोस्तों अमर्ष? क्या है? मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता है और संचारी भावों की कुल संख्या जो है 33 है। फिलहाल दोस्तों अमर्ष क्या एक संचारी भाव है और टोटल जो है संचारी भावों की संख्या कितनी है, टोटल 33 संचारी भाव है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी है। क्या आप लोग जानते हैं कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कबीरदास जी की भाषा है सद्दुकड़ी। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताना आपको आंसर। चलिए देखते हैं अब आप लोगों में से कौन ध्यान दे रहा है इस वीडियो पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 7 तक में आप लोगों को मुहावरों के अर्थ बताने। द्रौपदी का चीर, देखिए द्रौपदी का चीर का मतलब है कभी समाप्त ना होने वाला या फिर अनंत। एक शब्द में उत्तर देंगे तो अनंत आ जाएगा, यानी कि कभी भी समाप्त ना होने वाला। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना का मतलब क्या होता है? देखिए कूप मंडूक का मतलब होता है सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना। तो ऐसे में जिन लोग का भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही है और बाकी जिनका गलत आ रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मुहावरे आएंगे आप लोगों में दोस्तों, छंद आएंगे, अलंकार आएंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो सारे टाइप आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, मैंने आपके साथ कई बार ये बताया कि आपको एक वाक्य दिया होता है, वाक्य को 4 अलग अलग पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, इसको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि सामाजिक जीवन में, अब क्या है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। देखिए सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत जो है बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो ऐसे में जिन लोग का भी आंसर आ रहा है या रा ला वा, बिल्कुल सही है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा या ला रा वा। क्लियर है, समझ गए सभी लोग? इसके बाद देखते हैं आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वलय। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। देखिए वलय, परावलय, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ऐसे में जिन लोग का भी आंसर आ रहा है यहाँ पर गोलाकार घेरा, बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोगों का गोलाकार घेरा, यानी कि जिसका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से
अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। देखिए समास, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में समास भी आएगा, आपको बताना अव्ययी भाव समास होता है क्या, कहते हैं किसको है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो। देखिए आता कैसे नहीं है, अब आप लोगों में से कई लोग जिन्हें समास ही नहीं पता है तो मैं इनको बता दूं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन। तो यहां पर दोस्तों आपका आ लगा या आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आजीवन, यथानुसार, यहां पर भी आप लोग इस तरीके से अगर अव्यय दिए हो तो वहां पर आप लोग का अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना। देखिए समय पर आ जाना कौन सा कारक होगा, वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान और अवसर का बोध कराता है, वहां पर आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण की पहचान होती है में और पर, तो यहां पर आपको पर दिया गया तो यहां से आपका कारक होगा अधिकरण कारक। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मंदिर और मदिरा। देखिए मंदिर का मतलब आप लोग जानते हैं देवालय, ठीक है ना, और पूजा घर, और मदिरा का मतलब होता है आप लोग का अश्वशाला। तो ऐसे में दोस्तों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवालय और अश्वशाला। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा। देखिए मिश्र वाक्य होता क्या है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा हमारा गौड़ यानी कि आश्रित उपवाक्य होता है, तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब, जहां वहां, अगर तो इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं, तो वो शब्द आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। तो यहां पर आपका कौन सा आ जाएगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ज्यों, जहां वहां, अगर तो, इस तरह के शब्द आते हैं जब तब, तो वहां पर आप लोग का मिश्रित वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ करके दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है क्या करने की। तो कवि के मन में यहाँ पर इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य को करने की, जैसे कि आपके मन में कुछ बनकर दिखाने की, कि आप लोगों का सपना है कुछ ना कुछ बनकर दिखाना है आप लोगों को दुनिया को, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना है आपको। तो जैसे कवि की बात हो रही है, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे पत्ते किस बात का प्रतीक है। सूखा पत्ते है मन के सूनेपन से, जो हमारे मन में सूनापन है ये दोस्तों संबंधित है आप लोग के मन के सूनेपन से। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। तो ये हुआ है विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। गहनता की फसल से कवि का आशय है विचारों की परिपक्वता से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, विचारों की परिपक्वता से। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी जो है अधिक बुद्धिमान। देखिए रामू की उपेक्षा जो है इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो पहले आपका आएगा उपेक्षा और फिर आएगा दोस्तों आप लोग का अपेक्षा, तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी वाला। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। देखिए यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा कौन सा अलंकार होगा, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग का विशेषोक्ति अलंकार होगा। तो ऐसे में जिन लोग का भी आंसर सियारा बिल्कुल सही है। ओके, ध्यान रखिए कि जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना होना पाया जाए वहां पर आपका विशेष उक्ति अलंकार होता है। निम्नलिखित विकल्पों की विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए कौन सा आपका राम एक नाम है, रामचित मानस पुस्तक का नाम है, गंगा नदी का नाम है, ये सारे जो अभी शब्द रखे हैं ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। तो यहां से आप लोग का आंसर आ जाएगा ए वाला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा की बात करें तो कौन सा पर्यायवाची जो गंगा का नहीं है, तो ये आपको दिया गया यहाँ पर कालिंदी। देखिए कालिंदी जो यमुना का पर्यायवाची है ना कि गंगा का, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आ जाएगा सी वाला। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहां से आपका आंसर आ जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार शब्द, श्रृंगार जो है शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो ऐसे में जिन लोगों के भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से पेपर आता है, क्या उसका लेवल है, देख लीजिए। ये आप लोगों के सामने
आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए जानते हैं। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को समूहार्थक शब्द बताना है, पुरुष, स्त्री, मनुष्य या फिर भीड़। तो 24 का राइट आंसर होगा भीड़। भीड़ जो है एक समूह को दर्शाता है, ग्रुप को शो करता है, बाकी नहीं, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं इनमें से। तो इसलिए यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डी वाला। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, एक लगा है ना, अंश में आप लोग का एक लगा दिया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक प्रत्यय लगा हुआ है, आंशिक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो पुलिस द्वारा चोरी थोड़ी ना की जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं गलती बताई यहाँ पर क्या है, चोरी का माल पुलिस के द्वारा बरामद हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस द्वारा चोरी दे रखा है, ये गलत है। चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया है, पुलिस के द्वारा बरामद हो गया है, तो यहाँ पर पहला ही वाक्य में जो है गलती दे रखी है। इसके बाद देखते हैं बदोर्मी, वधूर्मी का संधि विच्छेद करना। देखिए आपके एग्जाम में संधि विच्छेद का नाम, संधि विच्छेद को कौन सी संधि है, इस टाइप से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि से और समास से। तो फिलहाल देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा बधु प्लस उर्मी, तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर जाएगा बधु प्लस उर्मी, और यहाँ पर आप लोग का दीर्घ संधि होगा, ठीक है ना, दीर्घ संधि। क्यों दीर्घ संधि होगा? क्योंकि देखिए बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ मिलकर भी बड़ाऊ बना रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग का दीर्घ संधि होगा। धर्मांध, बधुर्मी, नारीश्वर, ठीक है ना, इस तरीके से सारे एग्जाम्पल पेपर में आ चुके हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए पावक, क्रशानु और अनिल ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि जो अनिल दे रखा है ये हवा का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, तो दोस्तों इसलिए सबसे अलग आपका ये होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष, हर्ष का विलोम बताना है। हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्षोल्लास होना, तो अपोजिट हो जाएगा विषाद, दुख, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदला, मैला, मलिन ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं? देखिए ये सभी जो है पंकिल जो है, दोस्तों यहाँ से आपका आ जाएगा पंकिल जो है, सभी गंदे के पर्यायवाची शब्द रखे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पंकिल। तो ये थे कुछ हिंदी के क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे थे, कैसे आप लोग को समझना है। अब पहला क्वेश्चन ये आप लोग के सामने दिया गया है, नीचे एक पाशे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पाशे में तीन के विपरीत सरफेस पर कौन सा अंक होगा, तो विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये आप लोग को बताना है। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपको तीन देखना है, तीन दे रखा है यहाँ पर, छः और एक, और कहीं पर छः और आपको एक दे रखा है, यहाँ पर भी तीन दे रखा है, फिर पाँच और एक दे रखा है, पाँच और एक भी कहीं पर नहीं दे रखा है। तो लगाने का तरीका है, देखिए लगाने का तरीका मैंने देखा आपको दिया गया पाँच दो चार, याद रखा तीन पाँच एक। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं तीन से, पाँच से और एक से, ठीक है ना, हमने लिखा दोस्तों यहाँ पर तीन, सॉरी हमने देखा दोस्तों यहाँ पर पाँच है, यहाँ पर पाँच दे रखा है और यहाँ पर हमें पाँच दे रखा है, तो यहाँ शुरू करेंगे पाँच दो और चार, हमने लिखा पाँच दो और चार, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पाँच एक और तीन, यहाँ पर शुरू करेंगे पाँच एक और तीन से। देखिए चार अगर ऊपर है तो चार के विपरीत फलक पर होगा तीन, अगर दो ऊपर है तो विपरीत फलक पर होगा एक, और यहाँ पर आपका छः आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आएगा, अगर ऊपर तीन है तो उसके विपरीत फलक पर क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट सरफेस पर होगा, वो होगा आप लोग का चार। तो जिसका भी आंसर ऐसे सी आ रहा बिल्कुल सही है। अगर हमसे यहाँ पर पाँच के पीछे पूछा जाता तो भी हम लोग बता सकते थे, और अगर दो के पीछे पूछा जाता तो भी हम लोग बता सकते थे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं? इसको जब काउंट करोगे दोस्तों तो टोटल कितने चतुर्भुज निकलेंगे आपको यहाँ पर ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर आप बताना टोटल जो है इसमें कितने चतुर्भुज हैं, तो इसको काउंट करने का देखिए तरीका क्या है, इन सबको जोड़ लीजिए। आपको देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये बने, फिर देखिए आठ के बाद आपका ये नौ दस ग्यारह बारह ये हो जाएगा, ठीक है ना, बारह, फिर आपका इसमें बनेगा तेरह चौदह पंद्रह सोलह, फिर आप लोग देखिए बनेगा सत्रह, ठीक है ना, अट्ठारह और बन सकते हैं आप लोग देखिए उन्नीस, उन्नीस देखिए बीस से आप लोग का ये और क्या आपका उन्नीस बीस, ठीक है ना, फिर ये पूरा आपका जाएगा इक्कीस, इस तरीके से आपके यहाँ पर ही बनेंगे, यहाँ पर बाईस तेईस चौबीस, फिर ये पच्चीस छब्बीस और ये बड़ा वाला सत्ताईस। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर कितने आप लोग के जो बनेंगे चतुर्भुज, ये टोटल आप लोग के सत्ताईस बनेंगे। तो जिसका भी आंसर सत्ताईस आ रहा बिल्कुल सही है, तो एग्जैक्ट आंसर दोस्तों कितना होगा ये हो जाएगा आप लोग का सत्ताईस। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आपको दिया गया राम जो है श्याम से 315 दिन बड़ा है। अब जो राम है वो श्याम से 315 दिन बड़ा है, चलिए दोस्तों लिख लिया हमने, राम जो है हमारा श्याम से, ठीक है ना, राम जो है वो श्याम से कितने दिन बड़ा है, 315 दिन बड़ा है, और कृष्ण जो है वो राम से 70 सप्ताह बड़ा है, तो कृष्ण जो है वो राम से 70 सप्ताह बड़ा है, चलिए 70 सप्ताह बड़ा हो गया। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था,
अगर इसका जन्म जो हुआ था वेडनेसडे को हुआ था, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था ये आपको बता देंगे। 70 सप्ताह के बाद दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पर वेडनेसडे रहेगा। अब 315 को जो है 7 से डिवाइड कर लीजिए, 315 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष बचेगा 0, मतलब विषम दिनों की संख्या जो आपके आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो राम श्याम और कृष्ण इन तीनों का जन्म जो है एक ही बार पर यानी कि बुधवार को है, तो इसका जन्म भी कब होगा दोस्तों बुधवार को होगा, क्योंकि यहाँ पर शेष जो आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, योगा आपका बुधवार, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापिस आते समय अपनी गति को जो है 50% बढ़ाकर लौटता है, दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखिए व्यक्ति जो 40 की स्पीड से जा रहा है और वापस आ रहा है 50% ज़्यादा से, तो 40 का 150% कितना हो जाएगा देख लीजिए, 40 का 150% हो जाएगा 15 × 60, तो 40 से जा रहा है 60 से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2 × x × y / x + y, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, तो लिखेंगे 2 × 40 × 60 और अपॉन में आ जाएगा 60 + 40 यानी हो जाएगा 100, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 × 24 दुनी और आप लोग आ जाएगी 6 × 24 दुनी 48, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, तो जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए 6 व्यक्ति आपके हैं ए बी सी डी ई और एफ, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, ई जो है किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई का पड़ोसी है और आपको दिया गया है और डी के विगड़वर सम्मुख है, तो बी एफ का पड़ोसी है, उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन बैठा है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए 6 व्यक्ति हैं जो कि 3-3 करके जो है प्रति पंक्तियों में बैठे हुए हैं, तो 2 लाइनें ई किसी पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो ई आप लोग का मान लीजिए बीच में हो सकता है, तो मान लिया मैंने ई जो हमारा बीच में होगा, ठीक है ना। फिर आप लोग देखिए क्या है, डी जो है वो एफ के बाईं ओर है, देखिए डी जो है वो एफ के ओर बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मैंने मान लिया दोस्तों हमारा जो है डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरा, एफ हमारा यहाँ पर होगा, तो पहला स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर हमारा कौन आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारा डी, तो डी जो हमारा एफ के बाईं ओर दूसरा है। आगे पढ़े दोस्तों हमारा आगे देखिए क्या रखा, बाईं ओर दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है, सी जो वो ई का पड़ोसी है, अब देखिए ई हमारा यहाँ पर और सी इसके पास में आ जाएगा, तो सी ई का पड़ोसी है और डी के जो है विगड़ावर्त है, देख सकते हो दोस्तों डी के जो है आपका विगड़ावर्त है, आप सही हो गया बिल्कुल सही बैठा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आगे क्या दिया गया, बी एफ का पड़ोसी है, अब एफ के पास में दोस्तों कौन आ जाएगा, बी एफ का पड़ोसी है, ठीक आ गया, तो उपरोक्त सूचना के अनुसार बी के सम्मुख कौन है, देखिए आपका यहाँ पर बचा कौन है, अभी ए बचा है, तो हमारा इस तरीके से बैठे ए ई सी डी बी एफ, तो बताए बी के सम्मुख कौन बैठा है, तो बी के सम्मुख बैठा ई, बी के जस्ट सामने कौन बैठा, ई बैठा है, तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका ई, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 × 60 × 50 सेंटीमीटर आकार के हौज भरने में कितना समय लगेगा आपको यहाँ पर ये बताना। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग हौज का आयतन, तो वॉल्यूम निकालेंगे दोस्तों, हौज का आयतन कितना आ जाएगा 80 × 60 × 50 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 × 48 ये 24 240 हो जाएगा, 240 और 1 2 3 0 लग जाएंगे, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आप देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है आप लोग का 1 लीटर होता है, तो ऐसे में दोस्तों बराबर आ जाएगा 240 लीटर, कैसे आ गए दोस्तों आप लोग जानते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है आपका 1 लीटर होता है, ठीक है, तो 240 लीटर आ गया, तो आपने निकाल लिया दोस्तों हमारा कितना दे रखा है, जो हौज की क्षमता है वो है 240 लीटर। अब 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरा जा रहा है, ठीक है ना, 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से 240 लीटर है और 1 सेकंड 10 लीटर भरा जाता है, तो टोटल जो भरने में कितना समय लगेगा 24 सेकंड का समय लगेगा, तो ऐसे में जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 6 व्यक्ति हैं आपके एल एम एन पी क्यू और आर, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, एन जो क्यू और पी से लंबा है, अब देखिए आपको दिया गया जो एन है वो आप लोग का क्यू और पी से जो है लंबा है, ठीक है, चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो लगाते हैं, एन जो हमारा क्यू और पी से लंबा है, तो क्यू और पी से जो है लंबा है, ये कौन है आप लोग का, एन जो है क्यू और पी से लंबा है, आगे पढ़ेंगे परंतु एम से छोटा है, लेकिन ये जो है आप लोग का एम से छोटा है, तो एम से दोस्तों छोटा निकल गया। आगे पढ़ते हैं, पी जो है सिर्फ क्यू से लंबा है, तो पी तो क्यू से लंबा कर ही दिया हमने, जबकि आर जो है सिर्फ एल से छोटा है, जबकि आर जो है वो सिर्फ हमारा एल से छोटा है, ठीक है,
तो निम्न में से कौन सा युग्म जो सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करेगा? तो सबसे लंबा दोस्तों कौन है आपका, सबसे लंबा हमारा जो है एल है और सबसे छोटा हमारा क्यू है, तो एल और क्यू जिसमें भी आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पेपर में आएंगे और प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन एक एक करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारे ही वीडियोस आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने दोस्तों आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट बना दी है, तो जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर एक बार लगा लीजिए, लगा कर देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सारे सॉल्व कर लीजिए, आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको श्रृंखला दे रखी, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको यहाँ पर यह बताना है। आइए देखते हैं, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे रखी है 1331, 1197, 3375 और 1913। देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बता पाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 11 का क्यूब होता है आप लोग का 1331, 13 का क्यूब करेंगे दोस्तों आपका आ जाएगा 2197, और 15 का क्यूब तो आपको याद ही होगा 3375 होता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्यूब चेक कीजिए 1913 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है 1913। तो अगली बार में आएगा 19 का क्यूब होता है 19, 19, 361, 9, 81, 9, तो हमारा आ जाएगा लास्ट में 9, किसमें दिख रहा है 6859। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मजा आता है। ओके, और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, और कौन कौन से मजेदार क्वेश्चन इसमें पेपर में दिए गए। किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम दे रखा है आपको 4x6x8 सेंटीमीटर है, इसको यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? देखिए आपको ऊपर वाला बड़ा आयाम दे रखा है 4x6x8, और जो छोटा आयाम दे रखा है इसको दे रखा है तो घन है ना आपका, तो 2x2x2 लिखेंगे। सॉल्व करने पे आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, 8 से 8 1 कट जाएगा, 6 चौक आ जाएगा 24, तो अभिष्ट घनों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 24 बनेंगे। तो यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है, बाकी लोग सीखते रहिए, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सीखते रहिए। अब अजय और विजय दोस्तों क्या है, आप लोग के भाई भाई हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों आपको क्या दिया गया है। अजय और विजय दोस्तों कौन है, भाई भाई हैं। चलिए दोस्तों लिख लिया हमने अजय और विजय दोस्तों क्या है, भाई भाई हैं। पास पास लेते हैं, अजय और विजय जो है भाई भाई हैं। इसके बाद पढ़ते हैं राम जो है विजय के पिता हैं। अब विजय के पिता दोस्तों कौन है, राम जो है विजय के पिता हो गए, ठीक है। कमला जो है वो राम की बहन है, राम की बहन हो गई दोस्तों कमला, ठीक है। प्रेम जो है राम की भाजी है। अब जो प्रेमा दे रखी है राम की कौन है दोस्तों, भाजी है, भांजी है, ठीक है ना। तो देखिए भांजी का मतलब दोस्तों क्या होगा, इनकी पुत्री होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रेमा। प्रेमा जो है राम की भांजी है। सुबह कमला की नातिन है। अब देखिए जो कमला दे रखा है सुबह नातिन है, यानी कि इनकी पुत्री होगी सुबह। सुबह जो है कमला की नातिन हो गई, तो अजय का सुबह से क्या संबंध होगा आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये दोनों आपस में भाई भाई थे, और इनके दोस्तों ये पिता हैं, और ये दोस्तों इनकी बहन है, तो ये होगी इनकी बुआ, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये कौन होंगी इनकी, ये हो जाएंगी फुफेरी बहन। प्रेमा दोस्तों कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इनकी बुआ की लड़की यानी कि बहन हो जाएगी, और बहन की दोस्तों लड़की होती है कौन हो जाएगी, ये इनके हो जाएंगे मामा। तो इनडायरेक्टली दोस्तों ये कौन होंगे, ये होंगे सुबह के मामा। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो पेपर फर्स्ट में पास हुए, 60% बच्चे जो आप लोग के पेपर सेकंड में पास हुए, और 15% जो है दोनों में फेल हो गए। अब बताइए जबकि 270 विद्यार्थी दोनों में पास हुए तो विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको दिया गया 270 विद्यार्थी दोनों परीक्षा में पास हुए हैं, दोनों परीक्षाओं में 70% पास हो रहे हैं पेपर फर्स्ट में, 60% पास हो रहे हैं दोनों सेकंड पेपर में, इनको जोड़ लीजिए 0, 7, 6, 13, 130% हो गया। और दोनों में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 15%, तो 15% फेल हुए पास होने वाले कितने होंगे, 85 होंगे, तो 130 में से 85 घटा दीजिए, ये आ जाएंगे दोनों में पास होने वाली संख्या। 10 में से 5 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 45%, तो 45% बराबर दोस्तों आप लोग को दिया गया यहाँ पर 270 बच्चे, तो टोटल बच्चे पास हुए 45% पास हुए हैं और 270 विद्यार्थी संख्या में है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 3 एकम 3 बच्चे 15, ठीक है ना, 3 में 27 90 आ जाएगा,
और 15 चौक 60, 15 छक्का 90, 6 आ जाएगा, तो टोटल विद्यार्थी संख्या हो जाएगी 600, क्योंकि 1% बराबर 6 और 100% बराबर 600। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तब आप लोग क्या करेंगे, तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाता है, क्या अप्रोच है। मैं आप लोग को एक एक चीज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो सीखते जाइए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए आपको दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर क्या कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। चलिए मैं देखता हूँ किस तरीके से लगाना है। आपको दिया गया 1, 4, 9, 16 और यहाँ पर आ गया 10। देखिए 1 का रूट होता है 1, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 1, 10, इन सबको जोड़ दिया हमारा आ गया 10। ऐसे दोस्तों देखा हमारा 5 है, यहाँ पर आपका 4 है, ये आपका 10 का स्क्वायर होता है, ये आपका 8 का होता है, 8, 5, 13, 10, 4, 14, 13, 14, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 27। ऐसे दोस्तों लिखेंगे इसमें, यहाँ पर 256 होता है 16 का, 36 होता है 6 का, ये होता है आपका 12 का, और 64 होता है आपका 8 का, तो 12, 8 हो जाएगा 20, 20, 30 और 6, 36, और 36 और 6 आप लोग का कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, तो ये कौन सा होगा। इंटरवेंशन, इंटर ENTER बन जाएगा, पहला बन गया, ये नहीं होगा। इन्वेंशन, इन्वेंशन INVN इन्वेंशन ही बन जाएगा, हटा दीजिए इसे भी। इंटेंशन, INTEN इंटेंशन बन जाएगा। फिर आपको दिया गया इंटरटेन, इंटरटेन देखिए आपका दिया गया ENTER इंटरटेन TA। अब देखिए कहीं पर भी आपको ए नहीं दे रखा है, तो कहीं पर भी आपका ए नहीं, इसलिए आपका ये नहीं बन सकता क्योंकि ए कहीं पर शब्द नहीं दे रखा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। आप देखते हैं नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आपका आएगा, यह आपको बताना है। 1, 5, 14, 30, 55, 91 नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपको बताना। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना है आपको, 1 से 5 पर जाने के लिए हम लोग 4 स्टेप आगे बढ़े, फिर 5 में कितना जोड़ा कि 14 आ जाए, 9, 5, 14 आ गए, 9 स्टेप आगे बढ़े। यहाँ पर जोड़ा हमने दोस्तों प्लस 16, 14 और 16 हमारा आ गया 30, 30 में जोड़ा हमने यहाँ पर प्लस का 25, समझ में आ रहा है दोस्तों, 25 जोड़ा 91, 55 में कितना जोड़े 36 जोड़ा हमारा आ गया 91। अब कितना जोड़े देखिए आपको दिया गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 4 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 5 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 6 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, अगली बार जोड़ेंगे 7 का स्क्वायर यानी कि 49 जोड़ेंगे, तो 91 में 49 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 और 1, 10 और 10, 4, 14 140 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से जिसका भी आंसर 140 आ रहा है बिल्कुल सही है, राइट आंसर आ जाएगा आपका 140। तो देखा क्या लॉजिक लग रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो एकदम समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है, एक एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगा कर देखा है, तो ये खुद ही सीख जाते हैं कोई भी लॉजिक कभी भी माइंड में जो आ जाता है अपने आप ही ये चीज़। लेकिन प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग बेस्ट होंगे। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया 11529, फिर आपको दिया गया 72135, ऐसे आपको दे रखा है 23687, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपको क्या बताना ही है। देखिए यहाँ पर मैंने देखा 11529 दे रखा है, जोड़ लीजिए यहाँ पर, देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, इन सबको जोड़ लीजिए, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 17, 18, इन सारे हमने डिजिट को जोड़ा हमारा 18 आ गया, इनको जोड़ लीजिए 7, 2, 9, 1, 10, 5, 3, 8, 18 आ गया, इसको जोड़ लीजिए दोस्तों कितना दे रखा है आपको 2, 3, 6, 8, 26 हो गया। अब इन ऑप्शन में सबको जोड़िए 26 किसका हो रहा है, 9, 3, 27 तो गलत हो गया, ठीक है ये भी आप लोग का देखिए, आपको सी वाला दे रखा है 8, 6, 9, 1, 10, तो ये भी मिलकर जुलकर आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा यहाँ से आपका सी वाला। चलिए अब दिया गया 4/9, 9/20, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा उसके बाद आपको दे रखा है 39/86। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, 4, 4 में 5 जोड़ दिया हमारा आ गया 9, 5 से दोस्तों ने जोड़ दिया यहाँ पर 10 हमारा आ जाएगा 19 और 10 में 20 जोड़ दिया हमारा आ जाएगा 39। नीचे देखिए क्या चल रहा है, 9, 9 में 11 जोड़ा आ जाएगा 20, इसमें जोड़ देंगे 22, 22 जोड़ देंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 42 और 42 से हम लोग 44 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 86। तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा 19/42, तो जिसका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा बिल्कुल सही है, लॉजिक समझ में आ गया। ऊपर चल रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पर +5, +10,
प्लस 20। नीचे दोस्तों हमारा चल रहा था प्लस 11 प्लस 22 प्लस 44। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में चार विकल्पों में से तीन विकल्प तार्किक रूप से संबंधित है, उस शब्द को चुने जो सबसे अलग है। आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी वी रमन और राजगोपालाचार्य। देखिए दोस्तों, आचार्य कृपलानी को छोड़कर, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आचार्य कृपलानी को छोड़कर से सभी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी। बाकी दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन को, सी वी रमन को और राजगोपालाचार्य, तीनों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि इनको नहीं किया गया। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये दोस्तों कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आप लोगों ने देखा आज, सीखे होंगे बहुत से क्वेश्चन देखने के बाद, जाना होगा किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग के साथ में रीजनिंग के अलावा जीएस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्या उनका लेवल रहता है, किस टाइप से आपको पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था दोस्तों यहाँ पर आपके किसके किसके बीच लड़ा गया था बताइए दोस्तों। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। इनसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे आप लोग के लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी कि आयरन की कितनी परसेंट मात्रा होती है। देखिए आयरन की अगर हम बात करें कितने परसेंट होती है इसकी संरचना में, तो ये होती है लगभग 32 से 35%, अप्रोक्सीमेटली 32% to 35%। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को ये बताना है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 56 का, बताइए, ये आ जाएगा सी वाला, 828 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो 828 प्रति वर्ग किलोमीटर ये है जनसंख्या घनत्व 2011 का। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। देखिए पृथ्वी का अर्धव्यास की बात करें तो लगभग पृथ्वी का अर्धव्यास है 6371 किलोमीटर, यह है पृथ्वी का अर्धव्यास। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। अगर हम यूपी की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य जो है किस जगह का है, राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का ऑप्शन डी, जौनपुर। जौनपुर का जो लिंग अनुपात है यह है 1024, यानी कि 1000 पुरुष पर आप लोग के कितने हैं टोटल महिलाएं, 1024 है। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा जौनपुर, यहाँ का लिंग अनुपात जो है सबसे ज़्यादा है। ओके अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला, ये कौन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि ये आप लोग के व्यक्ति हैं श्री चंद्रभानु गुप्ता, जबकि आप लोग का रामजी मोदी, ठीक है ना, पैरोशा मोदी, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और आप लोग का श्री वारगुला रामकृष्ण, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, जबकि चंद्रभानु गुप्ता जो थे कभी भी यूपी के जो है गवर्नर नहीं बने। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर। तो बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन तो आते नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपको यही सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए बताइएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बार बार डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आप लोग का 8 मार्च को, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का 8 मार्च। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, सही जवाब होगा आपका मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्लियर है। और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आने वाले हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो है कब घोषित किया गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा 1989 में, ठीक है, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, झारिया झारखंड, ठीक है ना, झारिया झारखंड, ये आप लोग का स्टील से संबंधित नहीं है। और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किससे जो है लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल जो था सबसे ज़्यादा रहा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा, ठीक है ना, एन के मेहरोत्रा। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा ऑप्शन सी।
इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कहाँ से लिया गया, आप सभी लोग जानते ही हैं, इसको लिया गया सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। और देखते हैं कुछ और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए, पूरा पेपर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। कन्या विद्याधन योजना, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का 12वीं कक्षा के तहत, ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की ऊंचाई ये है 2050 किलोमीटर, ठीक है ना, तो मीटर में ऊंचाई दे रखी है, फिर ऊटी दे रखी है, तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा ऊटी, क्योंकि ऊटी की ऊंचाई जो ये है 2240, तो जिसका भी आंसर ऊटी आ रहा बिल्कुल सही है। तो इस पर्वतीय स्थान की जो ऊंचाई है समुद्र से सबसे अधिक है ऊटी, इसकी ऊंचाई जो है यह है मीटर में आप लोग करीब 2240 मीटर, कितने दोस्तों 2240 मीटर है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ये कौन सी समिति थी, ये थी दोस्तों आप लोग की स्वर्ण सिंह समिति की। तो दोस्तों आपको बता दें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता की समिति जो है पंचायती राज से है, आयंगर समिति जो है केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से है, और जबकि ठक्कर आयोग जो है ये इंदिरा गांधी के हत्याकांड से संबंधित है। तो फिलहाल तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति, बाकी के बारे में भी मैंने बता दिया है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बताए इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं, जो कि मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए। चलिए फिलहाल देखते हैं इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में किसने जो है ऑस्कर प्राप्त किया। ये फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल आंसर बता दे रहे हैं आसिफ कपाड़िया ने, इसको भी स्किप कर दीजिए, इसको भी स्किप कर दीजिए। अब ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो गलत दे रखा है वो कौन सा है। देखिए बाबर नामा की बात करें तो ये है बाबर की, शाहनामा दे रखा आपको ये है मोहम्मद ताहिर इनायत खान की, बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा जो है ये है गुलबदन बेगम की, ना कि हुमायूं की, तो ये गलत दे रखा है। हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखी है, लिखी है गुलबदन बेगम ने, और तुझुक-ए-जहांगीर ये जहांगीर की है। तो ऐसे में जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का सी, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 का संबंध किससे है। आर्टिकल नंबर 368 संबंधित है आप लोग का संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आर्टिकल नंबर 368 जो रिलेटेड है ये आप लोग का है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। इसका देखते हैं कंप्यूटर के, देखिए आपके एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, क्या उसका लेवल था और किस टाइप से आपको पढ़ना है, किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। देखिए कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, आपसे सेलेक्ट ऑल पूछा जा रहा है, तो 77 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल करने में यूज की जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाइनरी संख्या 1011 इसको आपको डिजिटल डेसिमल नंबर बदलना है, ठीक है ना, बाइनरी को चेंज करना डेसिमल में, तो आपको दिया गया यहाँ पर 1011 लिखा हमने 0 1 2 3, तो पहला आ जाएगा 2 की पावर 1 + 2 की पावर 0, तो 2 की क्यूब हो जाएगा हमारा 8 2 3 4 3 8, 2 का 1 2 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 8 9 10 11, तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 11। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, देखिए PPP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन EPF दे रखा है आपको, ये होता है कर्मचारी भविष्य निधि, इसका संबंध कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है, तो EPF नहीं होगा, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सारे जितने भी टर्म है वो सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, बट ऑप्शन डी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है क्या कहलाती है। देखिए जो परमानेंट मेमोरी होती है ये होती है आप लोग की रॉम, रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ से दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, क्लियर है। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और UP SSC के प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में, तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।